तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें हमें पॉइंट 1, 0, -2 से पास होने वाले एंड नॉर्मल वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप रखने वाले प्लेन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म में फाइंड करनी है। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। हमें यह गिवन है कि प्लेन पॉइंट 1, 0, -2 से पास होता है। माना यह पॉइंट है ए। इसके लिए पोजीशन वेक्टर लिखें तो हमें वेक्टर ए कुछ इस तरह का मिलेगा। एंड क्वेश्चन में गिवन है कि नॉर्मल वेक्टर ये है। अब सबसे पहले वेक्टर फॉर्म की बात करें तो एक पॉइंट से पास होने वाले एंड एक वेक्टर के परपेंडिकुलर प्लेन की ये इक्वेशन होती है। अब वेक्टर ए एंड वेक्टर एन की इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में यदि हम सब्स्टिट्यूट करें तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी जो कि प्लेन की वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन है। अब कार्टेशियन फॉर्म के लिए इस इक्वेशन में वेक्टर आर की जगह हम एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप रखेंगे जिससे हमें इक्वेशन कुछ इस तरह की मिलेगी, जिसे सिंप्लीफाई करने पर हमें यह इक्वेशन मिलेगी। अब डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करने पर वी गेट x-1 + y-z + 2 इज इक्वल टू 0, जिसे सॉल्व करने पर वी गेट x + y - z इज इक्वल टू 3, जो कि रिक्वायर्ड प्लेन की कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन है।